हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खट्टा मीठा नींबू का अचार, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, बनाना भी इसे आसान है। तो आज मैं आप लोगों से नींबू के अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आज हम बनाएंगे नींबू का अचार। सब्सक्राइब कीजिए फूड ओपीट चैनल को एंड हिट कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुषमा, आप देख रहे हैं फूड ओपीट। तो चलिए आज कुछ नया बनाते हैं। नींबू का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ 10 से 12 नींबू लिया है और इसे मैंने अच्छे से धोकर पोंछ लिया है। अचार बनाने के लिए हमें पतले छिलके वाला नींबू लेना चाहिए, इससे अचार का जो टेस्ट है ना बहुत बढ़िया आता है और अभी मार्केट में ये आसानी से मिल जाते हैं। तो यहाँ हमने नींबू का अचार बनाने के लिए चार इंग्रेडिएंट्स निकाल के रखा है। तो ये रेड चिली पाउडर मैंने लिया है और नमक लिया है और ये जीरा है, मेथी दाना, अजवाइन ये देखिए, और ये हल्दी पाउडर है, काला नमक और ये काली मिर्च है, और यहाँ लिया हमने चीनी। तो अब चलते हैं हम यहाँ पे नींबू को कट करेंगे। आप अपने हिसाब से नींबू को चाहे 6 पीस करें या फिर 8 पीस करें, जितना ज़्यादा वैसे छोटा करेंगे उतना आसान रहता है जब हम अचार खाते हैं उस समय पे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें कट लगाना है। आप चाहे तो इस तरह भी रख सकते हैं बड़े बड़े पीसों में, या फिर इसके 6 पीस कर लीजिए या फिर 8 पीस कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे 8 पीस कर रही हूँ। और अचार बनाने के लिए हमें पतली छिलके वाला ही नींबू लेना चाहिए, इससे अचार जो है अच्छा टेस्टी बनता है। और अभी दिसंबर जनवरी के महीने में पतले छिलके वाले नींबू बहुत अधिक मात्रा में आते हैं, तो इसी समय पर हमें अचार बना कर रख लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने एक नींबू को काट लिया है, इसी तरीके से हम यहाँ पे सारे नींबू को काट लेंगे। ये देखिए ये रखे हैं, और दो तीन नींबू हम रस निचोड़ने के लिए रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सारे नींबू काट लिया है और ये तीन नींबू मैंने यहाँ पे निचोड़ने के लिए रख दिया है, इसका जूस निकाल लेंगे हम। तो चलिए अब हम यहाँ पे नींबू को निचोड़ लेते हैं इस तरीके से। पतले छिलके वाला जो नींबू रहता है ना, इसका रस निचोड़ने में बहुत आसानी रहती है। तो इसी तरीके से हम यहाँ जो नींबू रखे हैं इसका रस को निचोड़ लेंगे। अब यहाँ हम आगे चलते हैं। ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने निकाल के रखा था, तो इसकी क्वांटिटी मैं बता दूँ, 5 स्पून मैंने यहाँ जीरा ऐड कर दिया है और 2 स्पून यहाँ पर काली मिर्च और 1 स्पून अजवाइन, 1/2 स्पून मेथी दाना। तो ये जो मसाले हैं इन्हें हम दरदरा पीस लेंगे और बाकी के जो मसाले हैं उनको हम बाद में ऐड करेंगे। तो आप चाहे तो इसे ज़्यादा दरदरा रख सकते हैं या फिर हल्का सा कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा कम किया है, खूब ज़्यादा दरदरा नहीं पीसा है। तो नींबू का अचार जो है कई तरह से बनाते हैं। यहाँ पर हम खट्टा मीठा अचार बना रहे हैं, तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया है 2 चम्मच सरसों का तेल। इसको पहले हम गर्म होने देंगे अच्छे से। गर्म होते ही हम इसमें ऐड कर देंगे हींग जो है, 1/2 स्पून लिया है मैंने यहाँ पर, और गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है क्योंकि तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और हींग भी अच्छे से भुन चुका है। हींग डालने से बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है अचार में। और यहाँ हल्दी पाउडर भी मैंने 1/2 स्पून ऐड कर दिया है। हींग और जब हल्दी को हम तेल में भूनते हैं तो जो अचार में जो कलर आता है ना, बहुत ही बढ़िया सा कलर आता है। यहाँ पे हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और ये जो मसाला हमने पीसा था इसको ऐड कर देंगे इसमें। आप चाहे तो नींबू में पहले से नमक डाल के भी 2 दिन तक रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पर तुरंत बना रही हूँ। और इसमें रेड चिली पाउडर मैंने 1 1/2 स्पून ऐड कर दिया है, यानी कि 1.5 चम्मच। और इसमें ऐड करेंगे ये काला नमक 1 चम्मच। इससे बहुत अच्छा रहता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है काला नमक। और ये है नमक, सफ़ेद नमक 1 1/2 स्पून, यानी कि 1.5 चम्मच। इसमें ऐड करेंगे ये शक्कर 1 कटोरी, कप से देखें तो 1 कप है। खट्टे मीठे अचार को भी 2-3 तरह से बनाते हैं, तो यहाँ पे हम बहुत ही इसी तरीके से बना रहे हैं, बहुत ही टेस्टी अचार बना रहे हैं। तो ये देखिएगा इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये जो हींग और हल्दी को मैंने तवे में जो भूना था ना उसको ऐड कर देंगे हम इसमें।
और इसको हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया सा कलर आएगा, फ्लेवर भी बहुत ही मस्त आएगा, क्योंकि इसमें जो हींग डलता है ना अचार में, तो बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने नींबू का रस निकाला था, उसको ऐड कर देंगे। और इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि जो नींबू की जो फोड़ है ना, इसमें अच्छे से मसाला मिक्स हो जाना चाहिए। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमने फोड़ को बहुत अच्छे से मिक्स किया है, मसाला देखिएगा पूरी पीसों में अच्छे से मिल चुका है। तो इस अचार को हम 2-3 तक कटोरे में रख देंगे एक, और इसे आप चाहे तो धूप में भी रख सकते हैं या फिर बॉटल में भर के भी रख सकते हैं। ये अचार जो है कभी ख़राब नहीं होगा। अगर अचार में नमक की मात्रा सही हुई है तो अचार हमारा कभी ख़राब नहीं होगा। तो इसको मैं अभी आपको 2 दिन बाद दिखाऊंगी, इसका बिल्कुल कलर चेंज हो जाएगा और इसमें बिल्कुल जूस भी निकलेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से अचार दिखेगा आपको 2 दिन बाद। दिख रहा है ना कितना प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। आप इस अचार को मेथी की पूड़ी के साथ खाइए, मूली के पराठे के साथ खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए, हमारा अचार जो है बन के रेडी हो चुका है, बहुत ही कम समय में बहुत ही टेस्टी अचार बन के रेडी हुआ है। 100% गारंटी है कि आपको ये अचार ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन की बटन है, उसे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।